अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल फ्रेंड्स। हमारा लेसन नंबर 10 है सैलरी सेटअप इफ़ कंडीशन। तो सैलरी सेटअप इफ़ कंडीशन क्या है, इसको समझने के लिए एक मिसाल ये है कि देखें, हर कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। आईटी डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, इसी तरह और भी होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ तीन डिपार्टमेंट आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखे हैं मैंने, लेबर, मैनेजमेंट और आईटी डिपार्टमेंट। और इस पूरी शीट में मैं खाली आपको एक डिपार्टमेंट यूज़ करके समझाऊंगा कि कैसे करना है, क्या करना है, और वो होगा लेबर डिपार्टमेंट। खाली मेथड आपको जहन में रखना है, फॉर्मूले आपको जहन में रखना है बस, और बाकी आप पे डिपेंड करता है। फिर वो आपकी मर्ज़ी है, आप जितने चाहें डिपार्टमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई और डिपार्टमेंट आ जाए, यहाँ पे कोई और आ जाए, आपकी मर्ज़ी है। आप तीन करें, पाँच करें, दो करें, छः करें, जितने मर्ज़ी डिपार्टमेंट लिखें आपकी मर्ज़ी होगी। और जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें आपकी मर्ज़ी होगी, एक सेलेक्ट करें तब भी आपकी मर्ज़ी, कोई दूसरा एक ही शीट में कोई तीन चार सेलेक्ट करें तो आपकी मर्ज़ी होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ समझाने के लिए इस लेसन में सिर्फ एक लेबर डिपार्टमेंट को यूज़ करूँगा। तो मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी है, ठीक है, आप अपनी कंपनी में ये देखना चाहते हैं कि लेबर के डिपार्टमेंट में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी तनख्वाहें हज़ार हज़ार रुपए है। तो उसके लिए आपको फार्मूला, उसके लिए ये शीट ऐसे ही कामों के लिए होती है। या फिर ये देखना चाहें कि हज़ार से कम कितने लोगों की तनख्वाह है, या फिर ये देखना चाहें कि हज़ार से ज़्यादा कितने लोगों की तनख्वाह है, तो ये काम इस शीट में होगा। इस शीट के थ्रू आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। या फिर आप ये देखना चाहें कि मैं हज़ार रुपये जितने बंदों को देता हूँ वो कुल कितने बंदे, मतलब कि उन बंदों का कुल ख़र्चा आपकी कंपनी पे कितना है। चलें समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ, सब आपकी सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा काउंट इफ़, सी ओ यू एन टी ओ सॉरी इज इक्वल टू का बटन, सबसे पहले इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, फिर लिखेंगे काउंट इफ़। काउंट इफ़, काउंट इफ़ लिख के ब्रैकेट ओपन करके, तो मैं आपको समझाने के लिए लेबर का डिपार्टमेंट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं लेबर के कॉलम नंबर थर्ड को सेलेक्ट करूँगा। देख लें कहाँ से सेलेक्शन कर रहा हूँ, कहाँ पे ख़त्म हो रही है सिलेक्शन, आपकी मर्ज़ी। आप अगर आईटी का डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना चाहें या मैनेजमेंट का करना चाहें, आप पे डिपेंड करता है। समझाने के लिए मैं लेबर डिपार्टमेंट यूज़ करूँगा पूरी शीट में। तो लेबर के डिपार्टमेंट का पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, कॉमा लिख के इन्वर्टेड कॉमाज। अब यहाँ पे मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हज़ार रुपये मैं कितने बंदों को देता हूँ, तो हज़ार लिखा, ठीक है, हज़ार लिख के इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये कह रहा है कि चार। एक मिनट, आपको थोड़ा सा और आसानी कर दूँ आपके लिए। यार यहाँ पे इस वक्त कोई फार्मूला भी नहीं है। काउंट इफ, यही मैं कॉपी करके यहाँ पे,
बॉर्डर दिया, पहले 3 सेल्स को सेलेक्ट करके बॉर्डर दिया, फिर मर्ज किया, और फिर कॉपी करके नीचे वालों को पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला ताकि आपके अच्छी तरह समझ में आ जाए, कन्फ्यूजन ना रहे। अब इक्वल टू का बटन प्रेस किया, ठीक है, काउंट इफ़ लिखा, CONTIF, काउंट इफ लिख के ब्रैकेट ओपन करके लेबर का कॉलम पूरा सेलेक्ट किया। समझाने के लिए लेबर यूज़ कर रहा हूँ तो इस वजह से सेलेक्ट कर रहा हूँ लेबर का कॉलम पूरा सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमास, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि 1000 रुपये मैं कितने लोगों को देता हूँ। तो 1000 रुपये, 1000 लिखा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो ये कह रहा है कि भाई 4 ऐसे बंदे हैं जो 1000 रुपये आपसे लेते हैं। तो आप गिन भी सकते हैं, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे तो गिनना आसान है, छोटी सी शीट है, लेकिन कंपनीज़ में क्योंकि बहुत ज़्यादा मुलाज़िम होते हैं, एम्प्लॉयज़ की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शीटें बनती हैं, तो उसमें ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसके लिए, वो मुश्किल आसान करने के लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है। तो अब यहाँ पे तो आपने देखा कि 1000 जितने लोग लेते हैं वो उनकी तादाद कितनी है, तो इसने बता दिया कि भाई 4 लोग ऐसे हैं जो 1000 रुपये लेते हैं आपकी कंपनी से। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखना चाहते हैं कि 1000 से कम कितने रुपए लेते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो 1000 से कम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू काउंट इफ, काउंट इफ लिख के ब्रैकेट ओपन करके लेबर का डिपार्टमेंट पूरा सेलेक्ट किया कॉलम, सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद लेस देन का बटन प्रेस किया, लेस देन का बटन प्रेस करने के बाद अब 1000 लिखेंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये कहता है कि भाई 10 बंदे ऐसे हैं कि जो 1000 रुपये से कम तनख्वाह लेते हैं। अब 10 बंदे आप ख़ुद ही गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, यहाँ सबकी 1000 रुपये से कम ही तनख्वाह है, किसी की 900, किसी की 200, किसी की 400, तो इसने सबको काउंट कर दिया। और अगर आप चाहें ये देखना चाहें कि भाई 600 से कम कितने की है, कितने लोग ऐसे हैं कि जो 600 से कम तनख्वाह लेते हैं, तो यहाँ पे 1000 की जगह आप 600 लिखेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे 6 बंदे बता रहे हैं, गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इससे ज़्यादा और नहीं है, 6 बंदे। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे आप देखना चाह रहे हैं कि 600 से ज़्यादा कितने लोगों की तनख्वाह है, तो उसके लिए इक्वल टू का बटन प्रेस किया, काउंट इफ़ लिख के ब्रैकेट ओपन करके दोबारा लेबर का डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया पूरा कॉलम सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, अब ग्रेटर देन का निशान लगेगा, ग्रेटर देन का निशान लगने के बाद 600, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये कहता है कि भाई 7 बंदे ऐसे हैं कि जिनकी तनख्वाह 600 से ज़्यादा है। अब वो कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसका फॉर्मूला ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है अपनी जगह। तो अब यहाँ पे तो इसने बंदे काउंट किए कि 4 बंदे 1000 रुपये तनख्वाह लेते हैं, 6 बंदे ऐसे हैं कि जो 1000 रुपये से कम तनख्वाह लेते हैं, ओ सॉरी 600 से कम तनख्वाह लेते हैं,
सात बंदे ऐसे हैं कि जो 600 से ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं, ठीक है। अब हमें बंदे तो पता चल गए, उनकी गिनती चार बंदे, छः बंदे, सात बंदे, लेकिन ये सात बंदे कुल पैसे कितने लेते हैं हमसे? इनकी सैलरी को प्लस कर देगा। अब जो मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, वो फॉर्मूला इन बंदों की सैलरीज को प्लस कर देगा, ठीक है। यहाँ पे बंदे बताए कि चार बंदे तनख्वाह लेते हैं 1,000 रुपये, यहाँ पे बंदे बताए कि छः बंदे ऐसे हैं कि जो 600 से कम तनख्वाह लेते हैं, यहाँ बंदे बताए कि 600 से ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले सात आदमी हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला बताऊँगा वो बंदे नहीं बताएगा, वो इनकी सैलरीज बताएगा। सैलरी को टोटल प्लस करके, पूरा का पूरा जमा करके वो बताएगा कि ये सात बंदे कुल कितनी खर्चा है इन सात बंदों का आपकी कंपनी के ऊपर, इन छह बंदों का कुल कितना खर्चा है, इन चार बंदों का कुल कितना खर्चा है आपकी कंपनी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला है सम सम इफ तीन बॉर्डर सेलेक्ट किए, तीनों सेल मर्ज किया, बॉर्डर दिया। अब कॉपी करेंगे कंट्रोल प्लस सी, यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी, कॉपी हो गया। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ इक्वल टू सम इफ। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है काउंट इफ की तरह, खाली सम इफ आ जाएगा जहाँ काउंट इफ है। बस सम इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, ओपन करने के बाद लेबर का डिपार्टमेंट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि शुरू से ही आपको ये बता रहा हूँ कि लेबर का डिपार्टमेंट मैं यूज़ करूँगा आपको समझाने के लिए। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, अब मैं लिखता हूँ कि 1,000, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज़ किया, ओके किया। तो ये देखें, यहाँ पे इसने बंदों को बताया था चार बंदे ऐसे हैं कि जो 1,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं, यहाँ पे उन चार बंदों की सैलरी को प्लस करके बता दिया कि 4,000 रुपये का खर्चा है इन चार बंदों का आपकी कंपनी के ऊपर। अब यहाँ पे इक्वल टू सम इफ लिख के ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद लेबर का दोबारा डिपार्टमेंट जो है वो सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा के बाद लेस देन 600, 600 लिख के फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे जब, तो ये यहाँ पे 600 बताया था इसने, यहाँ पे बताया था। देखें फॉर्मूला अगर देखना हो ना कि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई क्या हुआ है, तो खाली सेल को सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ऊपर, ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे ये बता रहा है कि फॉर्मूला है यहाँ पे कि 600 से कम कितने बंदों की तनख्वाह है, ये बता रहा है कि 600 से कम छः बंदे ऐसे हैं जिनकी 600 से कम तनख्वाह है, यहाँ पे उन छः बंदों की सैलरी को प्लस करके बता रहा है। अब वो कौन है देखें, एक ये रहा 200, एक ये रहा 300, टोटल लगा है 500, 500 के बाद एक ये रहा 400, 500 और 400 900 हो गए, 900 के बाद फिर 500 1,400 हो गए, 400 1,800 हो गए, 1,800 के बाद 200 कितने हो गए, 2,000, यहाँ पे बता रहा है 2,000, ठीक है। इट मीन्स हम ठीक काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे इक्वल टू सम इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, पूरा डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, ग्रेटर देन 600,
और इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि 600 से ज़्यादा जितने लोग हैं, ये 7 जो लोग हैं, इनका खर्चा कितना है हमारी कंपनी के ऊपर? ये 7 लोग महीने के बाद हमसे कितनी तनख्वाह लेते हैं भाई? तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद एंटर किया तो ये कह रहा है कि 6,400 रुपये लेते हैं ये 7 बंदे। तो अब ख़ुद ही आप काउंट कर लें, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 4,000 इनका हो गया, ठीक है। अब ये है कि 800, 700, 1,500, 1,500 और 900, 2,400, 2,400 और 4,000 को प्लस करेंगे 6,400, आंसर ठीक है। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया, सैलरी सेटअप इफ़ कंडीशन। ये पूरी शीट थी, इसका नाम था सैलरी सेटअप इफ़ कंडीशन। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।